हे गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई। मैं उठा, मैंने बोला मैं वर्कआउट करके आता, तो रोशन कहता मैं भी चलूंगा। भैया तो मैं क्या, जरा आओ तुमको चाहे सवार। बड़ा बड़ा एक्साइटेड है, अब देखते क्या करेगा। वैसे ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, कायदे से बिगिनर्स के लिए ही है वो वर्कआउट, बट ये बिगनर का भी बिगनर है। मतलब इसने जिंदगी में आज तक सिर्फ तब चला जब बिल्कुल मजबूरी हो। मौसम तो अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। चलो चल चढ़ाई बिछाओ उस तरफ, व्लॉग में देखा था ना कैसे बिछी हुई थी। Also guys, this good news, I had to share, पॉलिसी बाजार ने अपॉइंट कर लिया मुझे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टी शर्ट रखी हुई हो घर पे और मैं पहन के आ गया, कुछ भी हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए क्या है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मन तो नहीं है वैसे, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की, बट आज रुशिल आया तो इसके सामने थोड़ी लाज रखनी पड़ेगी खुद की। वैसे तो मैं अकेला होता हूं, ब्रेक वगैरह लेता रहता हूं, पर आज थोड़ा फॉर्म में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चलो फिर थोड़ा वर्कआउट वार्म अप वगैरह करते। चलो एक अच्छे वर्कआउट से पहले एक अच्छा वार्म अप बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज सिखा रहा हूं मैं। दूसरा मतलब ऑपोजिट, रिवर्स, हाँ उल्टा, हाँ ये बिल्कुल। एक बार में समझ जाता है लड़का हमारा, यही बताएंगे हम तो लड़की वालों को। दो सेट हो गए हमारे, है ना। मैं सोचा रुशल बिगनर है क्योंकि इसको इतने पर ही भेज दे या करेगा और करूंगा या बाल ऑंडे में स्पिरिट की कमी नहीं है। मैं सोच रहा ये जाता मैं भी एक आधा कम करता सेट। तीसरा करना है। अरे जी विदेशों की अभी वेट मार दे, कल हमको नया गाना मिला है, मार मार था पिया लोहे नू बंगार दे। भाई रुशल चला गया, चाची का फोन आया था, कहती कि उसको ट्यूशन जाना है, तो मैं कहा चल भाई थोड़ा सा उसको कूल डाउन करा के भेजा मैं। और यही मैं मैसेज देना चाह रहा था आज की, देखो वैसे मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ, मैं मेरे को बहुत पता हूँ, बहुत आता हूँ, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है एक्सरसाइजिंग को लेकर अब तक का, वो ये है कि हमेशा कूल डाउन और वार्म अप दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि इंजरीज अवॉइड हो सकती है अगर तुम ये कुछ बेसिक पैटर्न फॉलो कर लो और जो फॉर्म अपना होता है एक्सरसाइज का वो ठीक रखो, तो बेटर वर्कआउट कर सकते हो जब भी तुमने स्ट्रेच किया हो अच्छे। मैं अभी स्ट्रेचिंग करके ही बैठा हूँ अभी, पर अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गेट जाए हम। केरल आपने मेरे लिए सैंडविच बनाया, मैं अभी तक घर पे पहुंचा भी नहीं था, क्या बात है। तो मेरे लिए भी एक बना दो, ठीक है। उसमें मेरे को चाहिए पनीर, प्याज, टमाटर और खीरा, ठीक है। मेयोनीज रहने देना, इसको कर दो बंद कर दो। ओरिगैनो डाल दिया केरल ने, क्या बात है, तैयार सैंडविच मेरा, थैंक यू केरल। मैंने कहा था इंडिया गेट हम जाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। रोशन की ट्यूशन से भी छुट्टी होगी, तो मेरे बहाने पर जो उसने मौज उठाई है जो मेरे नाम पर रखी हुआ। एक्साइटेड इंडिया गेट आखिरी बार कब गए थे, गए भी हो पहले कभी? नहीं, नहीं, इंडिया की पहली बार जा रही। वेरी गुड, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। बाय बाय दादा, निकलते हैं, क्या बारी है। ओके बाय बाय दादी, ओके चाची मिलते हैं, बाय बाय। अच्छा केरल ठीक है, बाय बाय। मैं और रुशल जाएंगे सर। रुशल तूने तो हरकत करी है ना आगे बैठकर, तेरे को तो भूल जाता है कि कैमरा मेरे पास है और अब इसके आगे कौन सी गाड़ी में बैठेगा, तो ये भी देख लियो। कैसा लगा केरल? भाई यहाँ पे तो रोड क्रॉस करने में बड़ा संघर्ष है लाइफ में। फोटो वोटो खिंचवाओ, इतने फोटोग्राफर्स हैं यहाँ पर कि फोटो कोई भी खींचे फ्लैश जरूर आ रहा है, इतने सारे हैं, मतलब डेमो देने के लिए सभी तैयार हैं। मैं कहा सर मैं फोटोग्राफी सीख कर आयो अपना मास कम्युनिकेशन से, थोड़ा सा DSLR अगर आप मेरे को दे तो मेरा काम चल जाएगा। यार मुझे लगा था कि यहाँ पर हमको पूरा घूमने का मौका दिया जाएगा इंडिया गेट के आसपास, पर मे बी टू 26 जनवरी, आई डोंट नो, पूरा एरिया सील किया हुआ है आसपास का, तो बार बार घूमे जा रहे हैं हम, देखते हैं गूगल करते हैं क्या करना है यहाँ पे आसपास। कैसा लगा पहले इंडिया गेट देख लो आराम से? अच्छा लगा पर अंदर जाके देख पाते हैं, मुझे खुद लगा। अब हम सोच रहे हैं कनॉट प्लेस चले जाएं, यहाँ पे घूम तो सकते हैं, यहाँ पे तो सब एकदम सील बंद पड़ा हुआ है। पहुंच गए हम कनॉट प्लेस पे, आउटलेट नजर आ रहा है भाई, इसको मैकडोनल्ड जाना है, इसको डोसा फैक्ट्री जाना है। अरे भाई मुझे नहीं जाना, मम्मी को जाना है। मैं बोल रहा हूँ कि पहले एक्सप्लोर कर लो, फिर आराम से जहाँ जाना है चल पड़ेंगे। अरे पहले ताकत तो नीचे एक्सप्लोर करने वाली। जो न्यूज पेपर मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है द ट्रिब्यून, मौका चाहिए था ना, बस वेट कर रहे थे ना अब कब किसी दुकान पर आपको मौका मिले, परचेज कर लो जाकर। चले छोड़ दे उसको, पहले एक प्लेट ले ले, ट्राई करो कैसी है, फिर दूसरी लेना, ठीक है। वो तो मैं अपलोड कर रहा था दूसरे वाला, मैं आया बताया पर पहले तो मैं स्टोरी डाली उसके इंस्टाग्राम पर, फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला। रुशल की आंखों में खाने के लिए भूख। कैसा? बढ़िया। कैसा केरल जो बताएगी वो फाइनल रिव्यू होगा। अच्छा भाई घूम, हाँ बड़ा बड़ा चलना पड़ रहा है हमको, रेस्टोरेंट वगैरह हम देख रहे हैं कोई बड़ा, असल में भी हम आए घूमने के लिए तो सिर्फ देख कर हम आगे बढ़ जा रहे हैं, पर हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम हल्दीराम जाएंगे जो कि यहाँ से है 400 मीटर दूर। फुट प्लेस में जो रोड है वही फुटपाथ है, बढ़िया एकदम, सब बाइक इंसान ऑप्शन है। इसको तो छोले भटूरे खाने दो तो खा ले यहाँ पर, आपको रोल्स खाने हैं, चाट आप भी खा दो चाट यहाँ पर, अजय आपको लेना है भाई। उम्मीद से कम ठंड है पर अंदर तो गर्मी बहुत ज्यादा है, पूरा जैकेट वैकेट निकाल दिया है मैंने।
भाई वाले भैया को रिक्वेस्ट करिए कि थोड़े से प्याज दे दो, थोड़े से ही दिए उन्होंने, बिल्कुल बात की लाज रखी है मेरी। और अगर सांस आ गई फाइनली, इतनी गर्मी अंदर भूखी, कोई वेंटिलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, प्लीज हल्दीराम चेक इन टू इट। अभी का रोल एक्सप्रेस देखिए, बालकों का पेट तो भर जाता है मगर बालकों की नीयत नहीं भरती है। पेट किस खुशी में रहे भाई, लो और चलो अपना सेटलमेंट करने। कौन सा खाना आपको? बस उसके लिए इतना टाइम था, चलो आ जाओ, इतना ही मौका मिलता है। चलो कौन सा लेना, जल्दी बोल। आपने लेना कोई चाची? बन गया स्वाद तो, बन गया बस, सिर्फ कोल्ड कॉफी। चलो वापसी का हो चला है समय, सभी ने अपना खा लिया चिकन रोल। मैं हूँ वेजिटेरियन आदमी और मेरा पेट भी भर गया था, ये कारण असली है, मैंने कुछ नहीं खाया वहाँ से। कोल्ड कॉफी वॉज गुड, कैब इज ऑन इट्स वे। चलो होम स्वीट होम है फुल। कितनी दस? कोई गर्व की बात नहीं है पर पागलपन है। तो भाई वापस आ चुके हैं, कैरल भी सोने के मूड में है, दादी तो सो दी जाती है इस टाइम तक, हमने जगा रखा है। और मैं भी कैब में एक दो बार सो गया था, तो आज फॉर अ चेंज मैं भी टाइम पर सो रहा हूँ। दादी सोशल मैसेज हमारा है, तुम लाइक एक बार कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट की कोई सीमा होती है, शेयर की कोई सीमा होती है। जय महाकाल का आनंद। अब जो है एक गुड नाइट मैसेज होता है, जो कि आपको पता होगा, एक शायरी आती है। कैरल आपको मौका दिया जाएगा 2 साल बाद, आज का गुड नाइट मैसेज मैं दूंगा। आंखों में चिंगारी रखो, होठों पे पानी, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज दे रहे हैं, तुम सफर जारी रखो। क्या कहने वाले ने भी क्या कहा है, किशिक सरावत मेरा नाम है। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। दाई जी कैमरे पे हाथ मारो प्यार से।